Hello students, how are you? I hope you are all well. And today we are going to start a future tense series. As you know that there are four tenses of future tense, like future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. We have completed present series and past series. There were four tenses in present series. Present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. And in past tense series, there were four tenses also: past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Okay, today we are going to start our future series. In future series, first tense is future indefinite. We use in future indefinite will or shall plus first form of verb. Clear? We use future indefinite tense to describe some future action. जब किसी फ्यूचर एक्शन डिस्क्राइब करते हैं ना असी कि आने वाले समय में ये काम होगा तद असी की यूज करते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस क्लीयर फॉर एग्जाम्पल ही विल हैल्प यू वो तुहाडी सहायता करेगा यू विल गो टू स्कूल टमोरो तुसी कल स्कूल जावोगे क्लीयर इत्थे मैं तुहानूं ये भी क्लीयर कर देवां कि जेकर पंजाबी विच कोई सेंटेंस लिखा होया है अते जिस दे पिछे की आ जांदा है गा गे गी जावेगा जावेगी जानगे जावांगा इस तरह गा गे गी आ जावे ना जद तां उसनूं असी की यूज करांगे उस विच फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस वाला रूल यूज करांगे विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये जिवें तुसी देख रहे हो माई ब्रदर ये की है सबजैक्ट हो गया विल की है हैल्पिंग वर्ब है माई ब्रदर विल बी 25 नैक्सट ईयर मेरा भरा की होगा 25 ईयरस का हो जाएगा अगले साल शी विल अराइव एट 6 o'clock वह आएगी 6 बजे आएगी क्लीयर विल शैल एंड फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्लीयर इन सारे सेंटेंस के पिछे की है गा गे गी की आवाज आ रही है ही विल हैल्प यू वो तुहाडी सहायता करेगा क्लीयर ओके वी यूज फ्यूचर इनडेफिनेट will shall plus first form of verb in principal clause of any conditional sentence aithe bete main tuhanu ki dass reha ha ke kis kis condition de vich assi future indefinite tense use kar sakde han ik ta tuhanu main dassya ke gaagegi punjabi de sentence de piche lagya hunda hai jis to tusi andaaza laga sakde ho ki eh ki hai future indefinite tense hai plus hun is gal var dhyan deo कि जब कोई कंडीशनल सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस की होंगे कोई शर्तवाचक सेंटेंस है क्लीयर उस विच की है असी फ्यूचर इनडेफिनेट यूज करांगे प्रिंसीपल क्लॉज विच इत्थे मैं तुहानू ये भी क्लीयर कर देवां कि प्रिंसीपल क्लॉज की होंगी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज की होंगी है क्लीयर ये वेखो बेटे ये सेंटेंस दो सेंटेंस की है ज्वाइन हो रहे हैं उस इस विच जो एक फुल सेंटेंस बन रहा है जिसका अपना सबजैक्ट है वर्ब है अते ऑब्जेक्ट है इसनों की कहने असी प्रिंसीपल क्लॉज कहने अते सबॉर्डिनेट क्लॉज की होंगी है जो प्रिंसीपल क्लॉज के नाल मिलके उसका मीनिंग निकलेगा अदरवाइज उसका सैपरेट कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तुसी इस सेंटेंस में पढ़ो आई विल बाय आ मोटरसाइकिल मैं एक मोटरसाइकिल खरीदांगा आई शैल बाय आ मोटरसाइकिल मैं एक मोटरसाइकिल खरीदांगा इस सेंटेंस में एक फुल सेंस निकल रही है क्लीयर मान लो तुसी कला यही सबॉर्डिनेट वाला सेंटेंस पढ़ते हो वैन प्राइज कम्स डाउन जब प्राइज घट हो गए तो सामने वाले को यह समझ नहीं आएगी कल इस सेंटेंस तो नहीं पता लगेगा कि असी की कहना चाह रहे हैं जे असी कली यही गल कहने जब प्राइज घट हो गए तो सामने वाला की पूछेगा कि फिर की होगा जब प्राइज घट हो गए इट मीनस जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसकी फुल सेंस नहीं निकलती जब तक उसनूं असी प्रिंसीपल क्लॉज के नाल ज्वाइन नहीं कर देंगे आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल वैन प्राइस कम्स डाउन हुण इसकी सेंस निकल रही है मैं मोटरसाइकिल खरीदांगा जब कीमतां घट हो गई क्लीयर इस तरह का जब कोई यह सिचुएशन आ जाती है जब कीमतां घट हो गई हुण वेखो यह कंडीशनल सेंटेंस है शर्तवाचक सेंटेंस है शर्त की है जब कीमत घट हुई तद मैं मोटरसाइकिल खरीदांगा यही इस विच शर्त है जब प्रिंसीपल क्लॉज के वल देखी असी इस विच की लग्या होया है प्रिंसीपल क्लॉज के विच जो एक फुल सेंटेंस है मैं तुहानू हुणे दस्या है जो एक फुल सेंटेंस है जिसका फुल मीनिंग निकल रहा है उसनू असी प्रिंसीपल क्लॉज कहने
इस तरह के शर्तवाचक वाक विच प्रिंसीपल क्लॉज दे विच असीं की यूज़ करांगे फ्यूचर टेंस यूज़ करांगे सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करांगे ये वेखो शैल बाय फ्यूचर टेंस यूज़ किया ना प्रिंसीपल क्लॉज विच फ्यूचर टेंस यूज़ किया जब कंडीशनल संटेंस सी शर्तवाचक संटेंस सी अगे देखो सबॉर्डिनेट क्लॉज विच की यूज़ किया होया प्रेजेंट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसनों असीं प्रेजेंट इनडेफिनेट कहने आ वो टेंस यूज़ किया सबॉर्डिनेट क्लॉज दे विच वैन प्राइज कम्स डाउन क्लीयर एक होर एग्जाम्पल कर रहे हैं इफ यू कम हेयर जेकर तुसीं इत्थे आउंदे हो आई शैल हैल्प यू मैं तुहाडी सहायता करांगा जेकर इत्थे आउंदे हो फिर सहायता करांगा इट मीनस ये भी की बन गया एक कंडीशनल संटेंस बन गया इस कंडीशनल संटेंस दे विच भी तुसीं ये वेखो कि प्रिंसीपल क्लॉज कहड़ी है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज कहड़ी है जो एक फुल सेंटेंसिस विच होवेगा वो प्रिंसीपल क्लॉज है जो एक फुल सेंटेंस दे अधीन है जो सेंटेंस फुल सेंटेंस की हैल्प नाल जो पूरा हो रहा है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है देखो इसनों इफ यू कम हेयर जेकर तुसीं इत्थे आउंदे हो इस तो कोई क्लीयर नहीं हो रहा कि फिर की जेकर असीं इत्थे आउंदे हां नहीं क्लीयर हो रहा हुण अगला सेंटेंस पढ़ो आई शैल हैल्प यू मैं तुहाडी सहायता करांगा इस सेंटेंस तो क्लीयर हो रहा है मैं तुहाडी सहायता करांगा मीनस सामने वाला जो इंसान है उसनू क्लीयर हो जाएगा कि मैं की कह रहा हाँ मैं तुहाडी सहायता करांगा वो समझ जाएगा भी ठीक है ओके मैं तुहाडी सहायता करांगा हुण ये वेखो सबॉर्डिनेट क्लॉज दे विच आपां प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज करांगे अते प्रिंसीपल क्लॉज दे विच फ्यूचर इनडेफिनेट यूज करांगे जिवें मैं तुहानू पहले ही कहा जेकर संटेंस कंडीशनल है कंडीशनल संटेंस दे विच असीं की करदे हां जो उस कंडीशनल संटेंस दे विच प्रिंसीपल क्लॉज किथे यूज करदे हां जो प्रिंसीपल क्लॉज है उस विच असीं फ्यूचर इनडेफिनेट यूज करदे हां अते जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उस विच असीं प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज करदे हां देखो आई शैल हैल्प यू फ्यूचर इनडेफिनेट यूज किया हो प्रिंसीपल क्लॉज दे विच अते इफ यू कम्स हेयर जेकर तुसी इत्थे आउंदे हो इफ यू कम हेयर आई शैल हैल्प यू जेकर तुसी इत्थे आउंदे हो मैं तुहाडी सहायता करांगा क्लीयर अगे की है आई शी विल कम ओह आवेगी इस तो भी गल क्लीयर है ओह आवेगी सामने वाला जो भी परसन है अपने सामने वह समझ जाएगा कि असीं उसनूं की कहन जा रहे हैं ओह आवेगी ठीक है क्लीयर ये की है प्रिंसीपल क्लॉज है जिस तो एक फुल मीनिंग निकल रहा है प्लस इफ यू राइट टू हिम जेकर तुसी उसनूं लिखोगे कंडीशनल संटेंस है अपन इफ तो क्लीयर हो रहा है जेकर तुसी उसनूं लिखोगे वह आवेगी ये वेखो कंडीशनल संटेंस विच असीं की यूज करते हैं प्रिंसीपल क्लॉज दे विच की यूज करते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट अते जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उस विच सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है वह यूज करते हैं नैक्सट की है एक सैकंड देखो असी होर कितने यूज करते हैं यह फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है जो वैन वी वॉन्ट टू से दैट सम वर्क इज नैसैसरी फॉर सम वन जो असी यह कह रही हो कि कोई काम है जो जरूरी है किसी के लिए टू डू इन फ्यूचर और इन कमिंग टाइम फ्यूचर विच करना काम कोई जरूरी है किसी के लिए जां आउण वाले समय विच वी यूज फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो अगे लिखी हुई स्ट्रक्चर है ना असी वह यूज करते हैं जब असी यह कह रहे हो कि सामने वाले इंसान के लिए यह काम करना जरूरी है आने वाले समय के देखो सबजैक्ट यूज करते हैं प्लस हैज या हैव यूज करते हैं प्लस इनडेफिनेट इनडेफिनेट की है टू प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू पे द फीस फ्यूचर टाइम हुण ये वेखो फ्यूचर टाइम के गल आई हैव टू पे द फीस मैनु फीस भरनी पवेगी इस विच असी की यूज कर रहे हैं ये देखो की कहन की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में मैनू ये काम करना पवेगा की यूज करते हैं असी हैज टू या हैव टू प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब असी यूज करते हैं इस विच हैज टू या हैव टू फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुण ये वेखो अगर सबजैक्ट आई है तो आई दे नाल की लगता है हमेशा हैव लगता आई हैव टू पे द फीस ओके ही हैज टू कम इन टाइम उसनू समय ते आना पवेगा ही सिंगुलर सी सब्जेक्ट तो हैज टू लगा दिता हैज टू हैव टू इस तरह स्ट्रक्चर यूज करते हैं प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब की है फ्यूचर की गल कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसनों एक काम करना पवेगा शी हैज टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट उसनू यह काम हर कीमत उत्ते करना पवेगा क्लीयर हैज टू प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसनों बेटे माइंड में रखना तुसी जर्नल अपनी जो टॉकिंग कर रहे हो किसी के नाल गलबात कर रहे हो उस दे विच भी इसनों यूज कर सकते हो जिस तरह किसी कहना हो सॉरी आई हैव टू गो मैनू जाना पवेगा
क्लीयर, यू हैव टू वेट हेयर, तुहानू इत्थे इंतजार करना पवेगा। इस तरह की गल भी आपां करनी है ना, तां हैज़ टू, हैव टू, ये बड़े साडे काम आउंदे हन। प्लस तुहानू इक हैड टू भी दस देवां कि जब बीते समय दे विच कुछ करना पिया उत्थे असीं हैड टू लगाउंदे हां। क्लीयर, आई हैड टू गो टू, किते भी कह सकदे हो आई हैड टू गो टू सम प्लेस और माई रिलेटिव, मैनू अपने रिश्तेदारां दे जाना पिया, आई हैड टू गो। क्लीयर, इस तरह लग जाता है। ओके, नैक्सट, टू टॉक अबाउट नीयर फ्यूचर वी यूज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जेकर असीं बड़े ही नेड़े भविख की गल कर रहे होइए तो इसनों भी अपने माइंड में रखो, बड़ी ही यह इंपॉर्टेंट गल है जो तुहाडी आम टॉकिंग दे विच तुसीं इसनों यूज कर सकते हो। ये वेखो की लग जाता है, सबजैक्ट प्लस एज एम आर प्लस अबाउट प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वेखो की लिखांगे आपां, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, अबाउट टू लग जाता बेटे, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। इसनों भी आप फ्यूचर वास्ते यूज करते हैं कि जब की कह रहे हैं मरीज मरन वाला है, अबाउट टू डाई। शी इज अबाउट टू सिंग अ सोंग, वह एक गीत गाउण ही वाली है, बिल्कुल नेड़े भविख की गल कर रहे हैं, अबाउट टू प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, वी कैन ऑलसो यूज गोइंग टू, जिस तरह मैं तुहानू अबाउट टू दस्या नीयर फ्यूचर बारे गल करन दे लई, उसे तरह असीं गोइंग टू भी यूज कर लैने प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हुण वेखो की लिखा होया है, आई एम गोइंग टू राइट सैवरल बुक्स, मैं बहुत सारिया किताबां लिखन जा रहा हाँ, गोइंग टू। आई एम गोइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल टुमोरो, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदन जा रहा हाँ कल नूं, बाय। गोइंग टू तो बाद फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस स्ट्रक्चर नूं भी असीं फ्यूचर दे लई यूज कर सकते हैं। ओके, नोट, यूजली वी यूज विल और शैल प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर फ्यूचर। हुण तक तुहानूं पता लग गया होना कि विल जां शैल फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब असीं आम तौर पर ही यूज करते हैं। टू कन्वर्ट दिस टेंस इन, टू कन्वर्ट दिस टेंस वी यूज नॉट, टू कन्वर्ट दिस टेंस इन टू नैगेटिव। क्लीयर, असी की यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं विद विल और शैल प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उस तरह ही रहती है। टू कन्वर्ट इट इन टू इंटेरोगेटिव, विल और शैल इज यूज बिफोर सबजैक्ट। जिस तरह पहला भी असं यही करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितने आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, सबजैक्ट तो पहला आ जाता है। क्लीयर, बट फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस देखो, आई विल गो टू स्कूल, नैगेटिव आई विल नॉट गो टू स्कूल, इंटेरोगेटिव विल आई गो टू स्कूल। क्लीयर, इस तरह लग जाता है। ओके, एक बेटे गल तो मैं होर दस देव कि आम तौर पर असं की यूज करते हैं, आई और वी के नाल शैल यूज करते हैं, बाकी जो सबजैक्ट्स होंगे उन्होंने नाल विल यूज करते हैं। पर यह रूल भी लगभग खत्म ही मनिया जा सकता है कि असी किसी भी सबजैक्ट के नाल जेकर विल यूज कर लीए तो वह भी ठीक मनिया जाएगा। क्लीयर, वो थोड़ा जा पुराना रूल सी कि आई तो वी के नाल असी शैल यूज करना है, तो बाकी जो सबजैक्ट हैं उन्होंने नाल विल यूज करना है। पर फिर भी तुसीं एक गल ध्यान में रखो, जब असी किसी नूं की है कोई धमकी दे रहे हैं, इरादा दस दे रहे हैं अपना, जां कोई वादा कर रहे हैं किसी दे नाल, फिर वो जे सबजैक्ट के अकॉर्डिंग की है उल्ट हो जाता है। आई अते वी दे नाल तुसीं विल यूज कर लो। जेकर असीं किसी नूं कोई धमकी दे रहे हैं जां अपना इरादा दस रहे हैं जां वादा कर रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं मीनस, तां की करना तुसीं, जो विल जां शैल है वह की है उल्ट कर देना है। आई दे नाल आम तौर पर असीं शैल लगाउंदे हां, तुसीं विल लगा लो। जिवें आपां कहीए आई विल किल यू, क्लीयर, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, आई दे नाल विल लगा रहा मैं वादा कर रहा किसी नूं, आई विल किल यू धमकी दे रहा किसी नूं, आई दे नाल मैं विल लगा रहा। क्लीयर, इस गल नूं भी अपने माइंड में रखो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द वर्ब इन ईच सेंटेंस इन टू द फ्यूचर इनडेफिनेट। बेटे थले सेंटेंस कुछ दिते गए हैं, इन्हों तुसीं की है फ्यूचर इनडेफिनेट दे विच चेंज करना है। जॉन क्लोज्ड हिज आईज, इसनों चेंज करो, जॉन विल क्लोज हिज आईज, आई एम गोइंग होम, आई विल गो होम, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज विल प्ले क्रिकेट, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, शी विल फिनिश हर होमवर्क। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, थैंक्स।